सीमेंट के रोड बन रहे हैं, जगह जगह सीमेंट के रोड बन रहे हैं, साथ में फुटपाथ भी बन रहा है। जो भी पानी अपना बारिश गिरती है, जो भी पानी है वो कहीं ज़मीन में नहीं मुड़ रहा है और वो वेस्ट होते जा रहा है। तो हम मारवाड़ी युवा मंच आपको पूरा मटेरियल लेबर के टीम के साथ हम पूरा प्रोजेक्ट्स आपके घर तक ला रहे हैं और आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इनका नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इनको कांटेक्ट करने के बाद आपकी नाम नंबर डिटेल्स शेयर कीजिए। प्लम्बर की एक टीम आपके पास आएगी, किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, क्या बजट जाएगा, एक कोटेशन आपको देंगे। तो कम से कम खर्चे में हम आपको अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से करने जा रहे हैं। इसमें अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो तो महापालिका की भी कोई स्कीम है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप आपके घर पे करते हो तो 10 साल के लिए हर साल आपको 25% प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी बेसिक कॉस्ट पे। मारवाड़ी युवा मंच औरंगाबाद ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गत 5 से 6 साल से रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये प्रोजेक्ट ले रहा है। ये प्रोजेक्ट हम मारवाड़ी युवा मंच नो प्रॉफिट नो लॉस में हम लेते हैं। इसमें अभी आप देख रहे हो कि अपन ज़मीन से पानी तो ले रहे हैं बट ज़मीन में वापस धरती में पानी अपन वापस दे नहीं रहे हैं। पानी की लेवल दिनों दिन कम होते जा रही है। जहाँ बोरिंग का अगर खोदते थे तो नियर अबाउट 100-200 मीटर पे पानी लग जाता था, आज 500 मीटर पे जाने के बाद भी मुश्किल से पानी लगता है। तो पानी की लेवल कम होते जा रही है। अगर वही अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये पानी की जो लेवल है ये बढ़ने में मदद होगी। दूसरा, आप ये भी देख रहे हो कि सीमेंट के रोड बन रहे हैं, जगह जगह सीमेंट के रोड बन रहे हैं, साथ में फुटपाथ भी बन रहा है। जो भी पानी अपना बारिश गिरती है, जो भी पानी है वो कहीं ज़मीन में नहीं मुड़ रहा है और वो वेस्ट होते जा रहा है। तो पानी के लेवल बढ़ने में भी दिक्कत आ रही है। ज़्यादा गर्मी होने की वजह से बाष्पीभवन हो रहा है और पानी के लेवल कम हो रही है। तो इसी के लिए पर्याय क्या, तो सिंपल सा है कि आपने आपके घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना और ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने से अपना तो बेनिफिट होगा ही, साथ में 40 अपने दायरे से 40 मीटर के रेडियस में जो भी लोग हैं उनको भी वो पानी का बेनिफिट मिलेगा। हम मारवाड़ी युवा मंच आपको पूरा मटेरियल लेबर के टीम के साथ हम पूरा प्रोजेक्ट्स आपके घर तक ला रहे हैं और आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें हमें नॉलेज जो सपोर्ट मिला है किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, ये जल मित्र केडिया जी है जिनको जल मित्र की पदवी मिली है, उन्होंने हमें पूरा गाइडेंस किया है कि किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, क्या क्या प्रकार होते हैं। इवन हमारे जो प्रोजेक्ट चेयरमैन है वो और प्लम्बर को भी बताया है कि किस तरीके से प्रॉपर वे में। तो कम से कम खर्चे में हम आपको अच्छे से अच्छे बेहतर तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से करने जा रहे हैं। इसमें 5 प्रकल्प प्रमुख हैं जिनका नाम है अशोक शिवाल, श्रीकांत जी उपाध्याय, अंकित जी सोमानी, सुदर्शन सिंह जाजू और अंकुर अग्रवाल। ये 5 लोग, इनका नंबर हम आपको दे रहे हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और इनको कांटेक्ट करने के बाद आपकी नाम नंबर डिटेल्स शेयर कीजिए। प्लम्बर की एक टीम आपके पास आएगी, किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, क्या बजट जाएगा, एक कोटेशन आपको देंगे। जैसे आप बताते हो कि हाँ ठीक है, आप हमें जो आपने कोटेशन दिया है वो एक्सेप्टेड है, आप काम चालू कीजिए, तुरंत से नहीं किया ना मटेरियल आ जाएगा और आपका काम चालू हो जाएगा। सर आपके कितने सालों से कार्य कर रहे हैं ये? गत हम 5 से 6 साल से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये तो इसमें सरकार की तरफ से भी कोई सुविधा है आपको कि आप पर्सनली कर रहे हैं? देखिए, ये सोशल वर्क है और ये हम मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से कर रहे हैं। इसमें अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हो तो महापालिका की भी कोई स्कीम है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आप आपके घर पे करते हो तो 10 साल के लिए हर साल आपको 25% प्रॉपर्टी टैक्स में छूट मिलेगी बेसिक कॉस्ट पे। ये एक बेनिफिट सरकार की तरफ से, ये आपने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से है। ये जो आप पूरा सेटअप कर रहे हो इसका कॉस्ट कितना जाता है? देखिए, इसका अभी का जो हमने बजट निकाला है कम से कम एक छोटा नहीं क्या है ना, एक 5 से 6 हज़ार के लगभग का एक बेसिक कॉस्ट इसका जाता है। यानी टेरेस से आपका पाइपलाइन नीचे आया है, कुछ डिस्टेंस पे आपका
बोरिंग है, बोरिंग में फिल्टर लगा के पूरा काम करने का एक अंदाज़ा हमने जो खर्चा निकाला है 5 से 6 हज़ार रुपये तो हमने निकाला है, ये अंदाज़ा खर्चा है। जैसे भी जो भी खर्चा आएगा प्लम्बर वहाँ पे आएगा, प्लम्बर की टीम आएगी, वो पूरा आपको क्लियरली बताएगी कि कितना आपका उसका कॉस्टिंग जा रहा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। जहाँ पर बोरिंग है, जिस घरों में बोरिंग है वहीं कर सकते हैं या जहाँ पर बोरिंग नहीं है वहाँ पर भी कुछ आप? जी दोनों जगह कर सकते हैं। एक आपके पास बोरिंग होगी, चालू बोरिंग होगी, उसमें भी आपका आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं जिसका पानी आपका बढ़ जाएगा। दूसरा, मेरे पास बोरिंग है बट मेरा बोरिंग में पानी नहीं है, उसमें भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वो बोरवेल को रिचार्ज हो जाता है और आपका जो बंद बोरवेल है वो भी चालू हो जाती है। तीसरी बात, अगर आपके पास बोरवेल नहीं है लेकिन आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, तो एक शोष खड्डा करते हैं 3 फीट बाय 5 फीट का एक अप्रोक्सली खड्डा करते हैं, उसमें प्रॉपर वे में पूरा हार्वेस्टिंग करते हैं और ऊपर से जो भी पानी आ रहा है आपका टेरेस का, वो पूरा टेरेस का पानी वो शोष खड्डे में जाता है और शोष खड्डे से पूरा आपके ज़मीन में पानी चले जाता है। ये दो प्रकार अभी हम करते हैं। अच्छा, जिसको भी कॉन्टेक्ट करना होगा तो किसको करना उन्होंने? हाँ, हमने 5 प्रकल्प प्रमुख है जो प्रोजेक्ट चेयरमैन हम बताते हैं, उनके नंबर्स हम आपको शेयर कर रहा हूँ, आप उन्हीं को कॉल कीजिए, वो आपको पूरा इस चीज़ में गाइडेंस करेंगे और पूरी टीम आपके पास भेजेंगे। मैं उनका नंबर आपको देता हूँ, एक है अशोक शिवाल, नंबर अशोक जी शिवाल है, जिनका नंबर है 9822121286। दूसरे है श्रीकांत जी उपाध्याय, जिनका नंबर है 9970220235। इसके बाद है अंकित जी सोमानी, जिनका नंबर है 8144992111। फोर्थ है सुदर्शन जी जाजो, जिनका नंबर है 8788455074। और आखिरी में है अंकुर जी अग्रवाल, 9423778765। आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, इसको बाकी की पूरी डिटेल्स आपको शेयर हो जाएगी। लास्ट सवाल है, ये जो आप कर रहे हो वाटर का वगैरह, ये सिर्फ महानगर पालिका के हद्दी में कर रहे हो या ग्रामीण में भी या जहाँ पर भी? देखिए, जहाँ तक हमें करते आए हम कर रहे हैं, ये औरंगाबाद तक का ही हमारा सीमित है। बट अगर आप 3 से 4 साल पहले की अगर बात करते हैं, तो जब हमने ये बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट लिया था तो हमको लातूर से भी कॉल आए थे, जब समय में लातूर में भी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई थी, पानी की टंचाई बहुत हो गई थी वहाँ पे। तो हमने उनके फ़ोन द्वारा उनको गाइडेंस किया किस तरीके से हम काम करते हैं वो बताया, और उन्होंने वही तरीके से वहाँ पर काम किया और उनका काम सक्सेसफुली हुआ। तो हमारा जो काम है हमसे अभी फिलहाल औरंगाबाद तक कर सकते हैं, कर रहे हैं। बाहर से अगर किसी का कॉल आता है औरंगाबाद जिले में, जैसा ग्रामीण में औरंगाबाद के ग्रामीण हो गया, वैजापुर हो गया, नहीं औरंगाबाद सिटी तक ही है, अभी औरंगाबाद सिटी तक ही हम काम कर रहे हैं। बाहर गांव की कॉल्स आते हैं तो फोन पे हम उनको उतना गाइडेंस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।